एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं, वो भी सेक्सुअली। ठीक है, तो आज की इस रीडिंग में ना आपके पर्सन के बारे में आपको ये सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, समझने को मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन फाइनली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए। आज के इस रीडिंग में हम यही जानने वाले हैं, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा अगर आपको ये जानकारी चाहिए। तो देर रात आपके पर्सन, जानते हो ना आप कि हर कोई जो है ना दिन में पूरे दिन कहीं ना कहीं बिजी होता है, चाहे वो अपने काम को लेकर हो, जॉब को लेकर के हो, या फैमिली के साथ हो, बिजी तो होता है। बट नाइट का टाइम ऐसा होता है ना जो रिलैक्स करने का टाइम होता है। ठीक है, हालांकि नाइट ड्यूटी भी होती है, बट ठीक है, नाइट ड्यूटी में भी वो ख्याल आते हैं, नाइट का समय ही ऐसा होता है। तो आज इस रीडिंग में ना हम वही सारी चीज़ें ना जानने वाले हैं आपके पर्सन के बारे में, कि आपके पर्सन लेट नाइट आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, लेट नाइट क्या सोच रहे हैं सेक्सुअली आपके बारे में, सेक्सुअली फीलिंग्स को जानेंगे, समझेंगे हम। ठीक है, तो इस रीडिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ मैं, जो कि आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप लोग मेरे साथ बने ज़रूर रहिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। अपने पार्टनर को जल्दी से याद कर लो, जल्दी से जल्दी अपने पार्टनर को याद कर लो, एंड मैं ये रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन की एनर्जी आई है। डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन, ओके, क्या बात है भाई, डिवाइन मस्कुलिन एंड फेमिनाइन की एनर्जी। कनेक्शन, ओके, कमिटमेंट, ओके, द डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ है रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक है, वाओ। देखो, डिवाइन की तरफ से आपके पर्सन को कुछ ना कुछ सजेस्ट किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से ना आपके पर्सन को सजेशन दिए जा रहे हैं कि बाबू तुम ये करो, बाबू तुम वो करो, तुम्हारे लिए ये डायरेक्शन सही है, तुम्हारे लिए वो डायरेक्शन सही है। आपके पर्सन को बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, मुझे फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन के अंदर ना, कहते हैं ना कि आपके पर्सन के अंदर, आपके पर्सन के मन में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जहाँ पर ये पर्सन थोड़े से कन्फ्यूज़न में जा रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़न में ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग नेचर मुझे नज़र आ रहा है इस पर्सन का। ठीक है, बट आपके पर्सन डिवाइन द डिस्ट्रॉयड मस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों हैं, यानी कि दोनों को ही इस रिश्ते में ना बहुत बड़ा धक्का लगा है और बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आप दोनों की ज़िंदगी में आया तो है। ठीक है, दोनों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस आया है। ऐसा नहीं है कि आपको धोखा दे के वो खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों की डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही डिस्ट्रॉय हुए हैं, एक दूसरे से अलग हो के, या अलग नहीं हुए हो तो भी अगर बातें नहीं होती हैं तो वो भी आपको बहुत मिस करते हैं और आप भी उनको बहुत मिस करते हो। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके अंदर जो मिसिंग एनर्जी है ना वो बहुत हाई है, बहुत मिस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो मुझे। आपके पर्सन के अंदर वो मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, मिस करते हुए आपके पर्सन के अंदर दिख रहा है, एंड मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
दिख रहा है कि भाई देख लो, कार्ड भी आया है कुछ इसी प्रकार से। देखिए, ये पर्सन का कहना ये है कि आप जो है ना इनके दिल के इतने करीब हो, ठीक है, आपके बगैर, आपके जाने के बाद से ये इनकी हालत हो गई है, क्योंकि आपके जिम्मे इस पर्सन ने अपने जीवन को सौंपा, अपनी लाइफ को सौंपा, ठीक है, लेकिन आपके जाने के बाद से ये पर्सन पूरी तरीके से तबाह हो गए, बैंक करप्ट हो गए ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन को जेल भी हुई हो सकती है, किसी किसी के पर्सन को, या किसी किसी के पर्सन का लीगल मैटर भी दिखाई दे रहा है। किसी को धोखे मिले, ऐसे बड़े बड़े धोखे मिले ना कि इंसान जैसे कि डिस्टर्ब हो गया, टोटली टोटली डिस्टर्ब हो गया। तो यहाँ पे दिख रहा है डिस्टरबेंस की एनर्जी, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई डिस्टरबेंस रहा है, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा रहा है, और डिस्टरबेंस इतना ज़्यादा रहा है ना कि मतलब उसका कोई हद नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस रहा है। मुझे यहाँ पे सेपरेशन के बाद, देखो बॉटम ऑफ द डेक भी सेपरेशन की एनर्जी आई है। मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि डिफ़िकल्ट रहा है आपके पर्सन के लिए, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, आपसे दूर गए हैं। तो एक होता ना कि जैसे कि इंसान खुश रहता है, तो नहीं है, आपके पर्सन तो खुश है ही नहीं, आपके पर्सन के मन में वो खुशी तो नज़र आ ही नहीं रही है ना। आपके पर्सन के मन में वो खुशी आती तब तो कहते ना कि हाँ चलो ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसे ठीक है, वैसे ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन की एनर्जी मुझे का क्या बता रही है, मैं ये देख लेती हूँ। द डिस्ट्रॉयड फेमिनाइन की एनर्जी क्या बता रही है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ना ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत लाचार हो गए हैं, बहुत लाचार, ठीक है, लाचारी में इनका जीवन जी चल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा एक ऐसी अवस्था है ना जहाँ से ये पर्सन निकल नहीं पा रहे हैं। सेक्चुअली ये पर्सन सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना इनकी लाइफ में, जो करेंट सिचुएशन है ना, उससे ये पर्सन बहुत परेशान है, देख रहे हो ना, द एंड है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि कभी कभी ऐसा भी लगता है कि भाई अब आपके पर्सन आपके साथ सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ये आपको भी लगता होगा कि अब मैं इसके साथ नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, मुझे इसके साथ कुछ नहीं मिलता है या मुझे इसके साथ वो खुशी नहीं मिलती है, तो इससे अच्छा है कि मूव ऑन है ना कर लिया जाए। तो यहाँ पे सेपरेशन के बाद दोनों के मन में यही ख्याल आता है कि अब जस्ट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि ख्याल तो ख्याल है ना, मूव ऑन करना यहाँ पे दिख रहा है। मूव ऑन करते हुए ये पर्सन का और आपका दोनों का दिख रहा है, ये पर्सन को लग रहा है कि यार अब क्या इस रिश्ते का मतलब ख़त्म होना ही ठीक है या फिर और भी कुछ है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जब जा रहे थे तब आपने इनको बड़े ध्यान से देखा था, ठीक है, ठीक, आपने इस पर्सन को बड़े ध्यान से देखा था कि ये पर्सन आपको मतलब टोटली ये पर्सन डिस्ट्रॉय करके रिलेशनशिप अचानक से चले गए। तो यहाँ पे वही है ना कि आपके ऊपर इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ने से ना बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ हुआ। यहाँ पे लगता है जैसे कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई, मतलब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ये सारी बातें सोच के ना आपका दिल दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करता था। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई खराबी तो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है, खराबी हुई है और ख़राब होता हुआ ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते बहुत कहूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश आपके पर्सन ने करा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश बार 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 की गई है, और आपके पर्सन बार बार इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं। मेन है कि ये रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कनेक्शन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। हार्ट ब्रेक, मुझे ये फील हो रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना, इस कनेक्शन में मैं देख पा रही हूँ जैसे कि दिल तो दोनों का ही टूटा है, ठीक है, बट मूव ऑन करना आसान नहीं है। ये पर्सन अपने आप से नफरत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि
क्योंकि आप इनके सामने बार बार आते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी याद बार बार आती हुई दिखाई दे रही है। देखो इस पर्सन का चेहरा देख लो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना, आपके इस कनेक्शन के ऊपर थोड़ा सा सोचना समझना, थोड़ा सा ये रियलाइज़ करना कि हाँ यार ये हो सकता है, वो हो सकता है, ये ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है यहाँ पे इस रिश्ते को लेकर के। इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि नहीं हो पा रहा है, जो कि नहीं नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ना जो रिश्ता है, इस रिश्ते को ना निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये रिश्ता एक होता है ना कि ये रिश्ता होता है ना कि दोनों तरफ का होता है, तो ये रिश्ता दोनों तरफ का जो है ना दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन को सिर्फ आपकी याद आती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी याद आती है, चाहे दिन हो या रात हो, ये पर्सन आपको याद करते हैं। ये पर्सन मेनली इस कनेक्शन को बनाने के लिए फील कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि इस कनेक्शन में अब जो है ना, जो ब्रेकअप हुआ है उस साइड को अगर हटा दिया जाए तो आप दोनों के बीच में कितना, अगर रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग की जाए तो कितना प्यार है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके प्यार को भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। देखो जब भी रोमांटिक कपल देखते हैं आपके पर्सन, तो इनको आपकी याद आती है। क्यों आती है? क्योंकि आप इनके साथ उस तरीके से जुड़े हो, इस तरीके से जुड़े रहे हो, और आपका जुड़े रहना ना नेक्स्ट लेवल का जो है ना मुझे बता रहा है, नेक्स्ट लेवल पे मुझे बता रहा है कि भाई आपका जुड़ना मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएँ। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएँ। कमिटमेंट एंड कम्युनिकेशन, यस, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। अभी इस वक्त ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बात इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि इनको रिग्रेट फील हो रहा है। देख रहे हो ये पर्सन के जो वर्ड्स रहे हैं, जो एक्शन रहे हैं, उसको लेकर के ये पर्सन बहुत शर्मिंदा मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इस बारे में ये पर्सन बात करना चाह रहे हैं। करने की एनर्जी में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि यार ये बातें हो जाती, वो बातें हो जाती, ऐसी बातें हो जाती, वैसी बातें हो जाती, तो कितना अच्छा होता ना, कितनी अच्छी चीज़ें होती ना कि मैं उससे ये कहता, वो मुझसे वो कहती, और हम दोनों के बीच में बहुत कुछ होता, बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी बातें होती। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को करना है, और आपके पर्सन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, है ना। आपके पर्सन मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन का ये नहीं, मैं कहूँगी कि ये पर्सन को ये लग रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, तो आपके पर्सन वो नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन के मन में ये है कि भाई इसका और मेरा क्या है, उसका और मेरा कितना हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन कमिटमेंट की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कमिटमेंट का सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट की बात, कमिटमेंट का सोचना, यस, मुझे दिख रहा है कमिटमेंट के बारे में आपके पर्सन सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कमिटमेंट के बारे में सोचना और कमिटमेंट को लेकर के सोचना मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है कि भाई कमिटमेंट का लेकर के देखना और सोचना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपके पर्सन कमिटमेंट देने की चाहत में है, आपके पर्सन कमिटमेंट तो देना ही चाहते हैं, एंड कमिटमेंट दे करके आपके इस रिश्ते को ना निभाना चाहते हैं, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है। द डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। क्लैरिफिकेशन की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर करना चाहते हैं कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के, एंड कुछ बातों को लेकर के, कुछ चीज़ों को लेकर के ना, एक होता है ना कि क्लैरिटी देना चाहते हैं, ठीक है, क्लियर होना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। और मुझे ये भी फील होता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ना, ये कहते हैं ना कि एक नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन कहूँगी, एक नेक्स्ट लेवल की बातें कहूँगी। प्रीसियस की एनर्जी आई है। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ, यस। आपके पर्सन क्लियर करना चाहते हैं, जो गलती हो गई है इनसे वो गलती बार बार ना हो, या वो गलती हो गई सो हो गई, अब ये पर्सन दोबारा नहीं करेंगे।
तो कहीं ये पर्सन अपने मन को, अपने दिल को ये बताते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं कि डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में है, जो कि बता रहा है कि देखो इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत है, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बहुत है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, डिसाइड करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो ये सोच रहा है कि हाँ यार मुझे ये करना चाहिए, ये मेरे लिए सही है, वो मेरे लिए सही है, ऐसे मैं ऐसे कर सकता हूँ, वैसे मैं वैसे कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं इस पर्सन के साथ, मुझे दिखता है कि भाई आपके पर्सन के साथ ये चीज़ें हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है जैसे कि आप दोनों का जो प्रेम है ना, वो प्रेम एक ऐसा कहूँगी कि ऐसे कनेक्शन को बता रहा है ना, ऐसी बात को बता रहा है ना, जो कहते हैं ना कि ये कनेक्शन जो है ना, ऐसी चीज़ों को बता रहा है जो नेक्स्ट लेवल पे होती हुई ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच का जो प्यार है, वो प्यार बहुत स्ट्रांग है, एंड बहुत प्यार, बहुत इमोशंस, बहुत फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ जाए तो यूं ही रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, एंड आप दोनों के बीच में जो बातें हैं अधूरी रह गई हैं, ठीक है। तो उन बातों को उन बातों का अधूरापन, उन बातों का खालीपन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन को वो अधूरापन, वो खालीपन जो है ना फील होता है, और ये पर्सन को उसको ख़त्म करना है, ठीक है, उसको टोटली ख़त्म करना है। क्रश की फीलिंग्स आ रही है, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का आप हो सकता है कि क्रश हो, ये पर्सन आपके क्रश हो, क्योंकि क्रश की भी रीडिंग हो सकती है ये। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपको जब पहली बार इस पर्सन ने देखा था, तभी इस पर्सन ने दिल दिया था आपको, है ना। बट उस समय कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे, और अभी भी कुछ इश्यूज हैं कि ये पर्सन क्या करे क्या ना करे, ठीक है। प्यार तो अभी भी है आपसे, एंड नो डाउट ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्रश की फीलिंग्स एंड रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, यानी कि लड़ाई झगड़े को ये कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। कंटिन्यू क्यों करने का है, कंटिन्यू क्यों करना है, कंटिन्यू नहीं करना है आपके पर्सन, कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। कंटिन्यू आपके साथ रिश्ते को करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये पर्सन के मन में आपको लेकर के ना, एक होता है ना कि आपके लिए जो किया सो किया, आप हो इनके साथ तो बहुत कुछ है इनकी लाइफ में, तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके साथ, आपके अंदर का। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनके साथ आए हो ना, तो इनके ज़िंदगी को बहुत सही तरीके से जो है ना डील किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो बस ऐसा मन है ना कि जैसे कहते हैं ना कि दिल तो है, दिल दिल का एतबार क्या कीजिए, है ना। तो वही दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो इस तरीके से फोकस कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपोलॉजी की एनर्जी आई है, तो दिख रहा है कि आपके पर्सन रोमांटिक हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है ना, वो ये कह रहा है कि बस आपके अलावा और कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बस आप ही तो चाहिए ना, आपके अलावा तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन आपके अलावा कोई और बात नहीं सोच रहे हैं, कोई और चीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, वो ऐसा मन हुआ पड़ा है ना, जो कहते हैं ना कि मन टूट गया है या दिल टूट गया है, तो ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो दिल आपके पर्सन का टूट गया है, टूटता हुआ दिख रहा है, एंड ये पर्सन सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी में है। यस, ये पर्सन आपके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि आई थिंक आपने इस पर्सन को बता दिया है कि देखो मेरे साथ चीट नहीं करना, ठीक है। आपके पर्सन ने हो सकता है कि चीट करने की भावना से आपको कुछ बोला हो, या कुछ ऐसी बातें होती है ना, कोई हमारा डिसीजन ऐसा होता है ना जिसे हमारा पर्सन हमें समझ जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ वाली बात यहाँ पे ना आपके पर्सन की मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपके पर्सन को सब कुछ समझ में आ रहा है कि यार धीरे धीरे जो है ना
वो बात इनके दिल से निकल नहीं रही है। धीरे धीरे इस पर्सन के मन से वो बात निकल नहीं रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, वो काफ़ी क्लियर सा हुआ पड़ा है कि भाई मुझे ये करने का है, मुझे वो करने का है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ठीक है, तो यस मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, जो दिमाग है ना, वो पूरी तरीके से स्ट्रेस में भरा पड़ा है। ठीक है, स्ट्रेस में भरा पड़ा है और आपके पर्सन स्ट्रेस फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है, स्ट्रेस फील करते हुए आपके पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि हो ना हो आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन हैं वो बहुत क्लियर हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्लियर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रहा है, फॉरगिवनेस की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन बहुत कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, शर्मिंदगी ही मैं कहूँगी कि आपके पर्सन बहुत शर्मिंदा है। और ये पर्सन के ऊपर इमोशनल बैगेज भी है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत हार्ट फील कर रहे हैं, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। क्योंकि देखो अकेलापन खालीपन है तो फिर प्रॉब्लम तो आती ही है ना, तो प्रॉब्लम तो आती है। टर्निंग पॉइंट की एनर्जी अगेन आई है। यस, आपके पर्सन बहुत अकेलेपन में है, बहुत खालीपन में है, रोता हुआ इंसान मुझे नज़र आ रहा है। सच कहूँ तो आपके पर्सन मुझे रोते हुए से नज़र आ रहे हैं, रोता हुआ चेहरा, रोती हुई सी बातें, रोती हुई सी चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं। नो डाउट आपके पर्सन के मन में ना एक 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 करके जो होता है ना कि क्लैरिटी आती है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में ठीक वही क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि इनको क्या हो गया है, कैसे कर लिया है इस पर्सन ने। ठीक है, कैसे क्या सोच लिया है इस पर्सन ने। एक अकेलापन सा होता है ना इंसान के अंदर, तो वो अकेलापन आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अकेलापन खालीपन आपके पर्सन से बर्दाश्त होता नहीं है, पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है। तो वो अकेलापन खालीपन बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर का वो पछतावा जो है ना मुझे नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, अब तो कुछ होगा कि नहीं होगा ये बताना भी मुश्किल है। तो ये पर्सन के मन में दिख रहा है कि भाई ये पर्सन आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और किसके बारे में ये पर्सन सोचेंगे, किसके बारे में ये पर्सन सोचेंगे, सोच भी तो किसी और के लिए नहीं रहे हैं ना, सोच तो आपके लिए रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके लिए मैनिफेस्टेशन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके पर्सन, मैनिफेस्टेशन यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वार्निंग की एनर्जी आई है। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन इसलिए कर रहे हैं कि इस पर्सन ने अपनी ही गलती की वजह से आपको लूज़ किया है। सोल कनेक्शन, यस वेरी नाइस, आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे के साथ एक सोल कनेक्शन में हो, सोल सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि भाई रिश्ते तो है, रिश्ते में दरार नहीं आई है बट रिश्ता तो है। रिश्ते में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। कहना तो यही चाहूँगी कि आपका रिश्ता जैसा है ना, वैसा रिश्ता हर किसी का नहीं होता है, हर किसी का हो ही नहीं सकता ऐसा रिश्ता। इस रिश्ते में मैंने देखा है चेंजेस आते हुए, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हुए। मैंने ये भी देखा कि जैसे कि आपके पर्सन जो है ना बहुत शर्मिंदगी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस तरीके से, तो अपने बिहेवियर की वजह से इनको शर्मिंदगी फील हो रही है। अदरवाइज़ ये पर्सन झुकने वाले तो है नहीं ना, इनको कोई झुका सकता है नहीं ना, तो यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे। झुकने वाले ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ना कि झुक जाएंगे या ये कर जाएंगे वो कर जाएंगे, गलत हो आप, नहीं झुकेंगे आपके पर्सन, ऐसे हैं। बट यस, ये पर्सन आपको मैनिफेस्टेशन के ज़रिए पाना ज़रूर चाहते हैं, आपको अपने ज़िंदगी में लाना ज़रूर चाहते हैं। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कि आप क्या चाहते हो इनसे, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, व्यूवर्स क्या चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से।
मेरे व्यूवर्स क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। मैजिशियन, कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपके पर्सन आपके करीब आ जाए। आप भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो ना? यस, दोनों तरफ से मैनिफेस्टेशन चल रही है और दिख रहा है कि भाई आप ही चाहते हो कि ये पर्सन का जो अट्रैक्शन या इस पर्सन का जो एक होता है ना कि आपका मेन है ना कि आप इस पर्सन को अपनी तरफ लाना चाहते हो, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। इस पर्सन को किसी और के तरफ देखना, किसी और के तरफ इस पर्सन का देखना आपसे बर्दाश्त तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं करोगे कि ये पर्सन जो है ना कुछ भी ऐसा कुछ करे या ऐसी कुछ बातें करे, नहीं करोगे आप बर्दाश्त, ठीक है। आपका है कि जो करना है सो करना है, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आप इस पर्सन के अलावा कुछ नहीं देखना चाहते या कुछ नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि ये पर्सन जो जिस तरीके से आपको धोखा दे के गए हैं, ठीक है, इस एक बार इनको भी धोखा मिले, एक बार इनको भी समझ में आए कि धोखा क्या होता है और धोखे में जो मिला हुआ दर्द होता है ना वो कितना दर्द देता है, कितनी तकलीफ़ देती है हमें, ठीक है। तो वो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, लग रहा है कि जैसे कि यार ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। तो दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है ना, जो दिल है ना, दिमाग है ना, वो यही कह रहा है कि यार ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है वो कह रहा है कि यार चीज़ें सही करनी है, ऐसा नहीं कि बिगाड़ के रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ें करनी है। जजमेंट की एनर्जी आई है, यस, जजमेंट की एनर्जी आई है, जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके पर्सन बड़े जालिम, कहूँगी कि जालिम है आपके पर्सन, जजमेंट की एनर्जी कहूँगी। यस, आपके पर्सन बहुत जजमेंटल हैं एंड मुझे दिख रहा है कि देखो आपको चाहिए इस पर्सन के साथ, ठीक है। देखो यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है ना, जो दिखाई दे रही है कि भाई आपको नीड है फिज़िकली भी इस पर्सन की, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि फिज़िकली नीड भी महसूस होती है आपको इस पर्सन की, क्योंकि देखो झूठ बोलने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, झूठ बोलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं झूठ क्यों बताऊँगी आपको, क्यों मैं बोलूँगी कि ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा है, वैसा नहीं, वैसा है, ठीक है। तो जो है वो मैं आपको क्लियर करके बता रही हूँ कि भाई ऐसा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ऐसी बातें मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों का प्यार, आप दोनों की फीलिंग्स, आप दोनों के इमोशंस इस तरीके से रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए ना आपके तरफ, आपके तरफ जो भी हुआ है इसकी सज़ा तो इस पर्सन को मिलनी चाहिए, रियलाइज़ तो होना चाहिए ना। तो जस्टिस आपके साथ होना चाहिए, जस्टिस आपके साथ होना चाहिए आपके पर्सन को, ठीक है ना। आपके पर्सन के साथ आपका जस्टिस, और मतलब एक होता है ना कि जस्टिस 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 की नीड महसूस होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, यस, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी भी काफ़ी क्लियर बताती है कि भाई आपके पर्सन बातों को लेकर के समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, बातों को लेकर के जानते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है ना, वो एक होता है ना कि दिल दिमाग फोकस करता है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन के मन में ऐसी बातें छपी हुई हैं, ऐसी चीज़ें छपी हुई हैं, ठीक है। सो यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, जो दिल है, दिमाग है, एक तरीके से डाइवर्ट होता है, ठीक है। और आप इस पर्सन के मन को ना कंट्रोल करना चाहते हो, ये पर्सन से चाहते हो कि आपका कनेक्शन बने, ठीक है, ऑनलाइन ही सही बट कनेक्शन तो बनना चाहिए ना, कनेक्शन तो होना चाहिए ना। आखिर प्यार करते हो आप इस पर्सन से, डीपली प्यार करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग लव है आपका इस पर्सन के साथ, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपकी इस पर्सन से। आपका सीधा सा है कि भाई तुम जैसे पहले थे, जिस तरीके से पहले रिलेशनशिप में थे मेरे साथ, वैसे ही आ जाओ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है आपका, मुझे आपका क्लियर है, आपको कुछ और नहीं चाहिए इनसे, इनका धन, इनका मकान, इनका कुछ और नहीं चाहिए आपको। आपका मेन है कि भाई मुझे ना फिर से वही रिस्पेक्ट, वही प्यार मिले और मैं उसी में खुश हूँ, मैं उसी में ही खुश हूँ,
ठीक है, तो यहाँ पे ये मुझे नज़र आ रहा है, आपकी तरफ से बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, आपकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी प्योर लेवल पे हैं, और काफ़ी प्योर क्यों ना हो, ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।